अपने खास शो के जरिए हम आपको फेस्टिव सीजन में अलग अलग सेक्टर्स का आउटलुक बता रहे हैं। इस कड़ी में आज हमारे फोकस पे है एंटरटेनमेंट सेक्टर। जी हाँ, जब फेस्टिविटी का मूड होता है तो एंटरटेनमेंट स्पेस डेफिनेटली बज करता है। सेक्टर की चुनौतियों और आगे के आउटलुक पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे वंडरला हॉलीडेज के मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस सेक्टर में एक्चुअली क्या एक्साइटिंग है ये जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सीधे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशल, जो बताएंगे एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए कैसा रह सकता है ये फेस्टिव सीजन। कुशल बताइए। बिल्कुल स्वाति, आप देखिए त्योहारों के दौरान डेफिनेटली लोग घूमने तो बाहर जाते ही हैं, पर इसमें स्पेशली वीकेंड्स की अगर आप बात करें तो यहां पर इसको और बढ़िया करने के लिए लोग काफी सारे एंटरटेनमेंट फॉर्म्स को अपनाते हैं। इनफैक्ट यहां पर आप देखिए पारिवारिक मनोरंजन के लिए या तो हम सिनेमा घरों का रुख करते हैं या फिर अम्यूजमेंट पार्क्स की तरफ भी जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क्स की जहां तक बात आती है तो डेफिनेटली काफी सारी एडवेंचर राइड्स होती है और उसका आनंद जो है पूरा परिवार मिलकर लेता है। इनफैक्ट यही नहीं, नवरात्रि के दौरान स्पेसिफिकली आप देखिए जिस तरह का माहौल वहां पर रहता है, फुटफॉल्स बढ़ाने के लिए काफी सारे अम्यूजमेंट पार्क्स अपने यहां पे गरबा नाइट्स रखते हैं, डांडिया नाइट्स रखते हैं, जिसका पूरा का पूरा माहौल जो है वो पूरा का पूरा फेस्टिव मूड में बदल जाता है। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए काफी सारे फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है हमारे सामने आते हैं और त्योहारों का काफी बेहतरीन तरीके से पूरा परिवार मजा लेता है। ओके, तो ये एक स्पेस है जहां पर हम डेफिनेटली ट्रैक्शन देखते हैं फेस्टिव सीजन में। शुक्रिया कुशल ये बताने के लिए।